हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैसलमेर में किसान महापड़ाव सातवें दिन जारी। किसानों को मिली पानी, अब नहीं करेंगे नहरों को बंद। किसानों को मिला पानी, अब नहीं करेंगे नहरों को बंद। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी इलाके के जीरो हेड पर चल रहा किसानों का महापड़ाव सोमवार को सातवें दिन भी जारी है। हालांकि किसानों को नहरी विभाग की तरफ से सिंचाई का पूरा पानी रविवार देर रात से देना शुरू किया जा चुका है, लेकिन किसानों का कहना है कि तब तक प्रशासन उनको लगातार सिंचाई पानी समय पर देने का लिखित आश्वासन नहीं देते, तब तक महापड़ाव को समाप्त नहीं करेंगे। किसानों ने देर रात से नहर में पानी आने से अब नहर को बंद करने का फैसला वापस ले लिया है, लेकिन महापड़ाव को समाप्त नहीं किया है। इंदिरा गांधी नहर पर पिछले 6 दिनों से धरना देकर महापड़ाव कर रहे नहरी इलाके के किसानों की लड़ाई आखिरकार रंग लाई और उनको उनके हक का सिंचाई पानी रविवार देर शाम से मिलना शुरू हो गया है। किसानों ने इसे अपनी जीत बताई है, लेकिन साथ ही उन्होंने महापड़ाव को जारी रखा है। किसान नेता साभान खान का कहना है कि रविवार देर शाम से नहरों में पानी आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक हमें लिखित आश्वासन नहीं मिला है कि ये पानी लगातार जारी रहेगा। हम किसानों को जब तक प्रशासन से लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है कि हमें अब पानी रेगुलर मिलेगा, तब तक हम महापड़ाव समाप्त नहीं करेंगे। हालांकि किसानों ने नहर बंद करने की चेतावनी दी थी, वो फैसला सिंचाई पानी आने के बाद वापस ले लिया है। दरअसल इन दिनों रबी की फसल का समय है और किसानों को इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई के लिए पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि बिना पानी के उनकी फसलें जलने के कगार पर हैं। किसानों को हर बार नहर विभाग के अधिकारी आश्वासन देकर कम पानी देते आए हैं, लेकिन इस बार हमने पूरा पानी लेने की ठानी है। जब तक हमारे हक का पूरा पानी नहीं मिल जाता है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब नहरों में पानी शुरू हो जाने से किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। जागरूक टीवी की जैसलमेर से अचल डांगरा की रिपोर्ट।